हेलो दोस्तों वेलकम बैक टू माय चैनल अगर आपके बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं या फिर स्लोली स्लोली सफ़ेद हो रहे हैं और आप बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो आप दोनों के लिए ये रेमेडी है और ये हम पानी में कुछ ऐसे दाने डालेंगे और उस पानी को लगाएंगे और उसके बाद जरूरी नहीं है कि आपने शैम्पू करना ही है आप उसको ऐसे ही नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए और या तो नेक्स्ट डे कर लीजिए कोई भी ईश्यू नहीं है इसका क्योंकि आप जितनी देर अपने बालों में इसको लगे रहने दोगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा और हाँ अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी तो अपना भरपूर प्यार दिखाईगा इस वीडियो को भर भर के शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा न्यू है तो लाइक जो कीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए तो इसके लिए सबसे पहले आपने इसमें डालना है वन कप के अराउंड पानी मैंने गैस अभी ऑन नहीं की है अब हम इसको ऑन कर देंगे और गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे सिम में रखेंगे तो वन कप हमने डाल दिया है और वन कप और डालेंगे यानी कि टोटल टू कप आपने इसमें डालना है पानी का तो ये देखिए पानी हमने डाल दिया है अब इसमें और अब इसमें हम इसमें डालेंगे नॉर्मली जो हमारे घर में डेली यूज होती है चाय पत्ती तो चाय पत्ती आपने डालनी है ये बालों को कलर देने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है यहाँ पर हमने वन टी ही डालना है क्योंकि ये वन टाइम के हिसाब से बना रहे हैं इसमें हमने वन टाइम ही वन टी ही डालना है क्योंकि हम ये वन टाइम के यूज़ के हिसाब से बना रहे हैं एक बार ही हमने ये यूज यूज़ करना है आप चाहो तो इसको स्टोर कर सकते हो बना करके फ्रिज में स्टोर कीजिएगा क्योंकि खराब होने का डर नहीं रहता और ये आपका लॉन्ग टाइम चल जाएगा बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है और हाँ एयर टाइट कंटेनर में आप स्टोर कीजिएगा डेली यूज़ कीजिएगा इसको आपने ये रोज़ यूज़ करना है क्योंकि अगर आप डेली यूज़ करोगे ना तो बहुत ही जल्द आपको इसका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा हो सकता है कि आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है या जल्दी भी इसका रिजल्ट मिल सकता है क्योंकि वो आपके बालों की क्वालिटी के हिसाब से डिपेंड करता है तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा तो चाय पत्ती डालने के बाद अब हमने इसमें डालना है कलौची और मेथी दाने का मेथी दाना ये आपने फोर टीस्पून डालना है यहाँ पे मैंने मिक्स करके रखा था दोनों को तो यहाँ पर मैं फोर टी स्पून डाल रही हूँ आप चाहो तो अगर बड़ी चम्मच से डालोगे ये छोटी है तो मैं फोर टी स्पून डाल रही हूँ अगर आपका बड़ी चम्मच डालते हो तो आप टू टी स्पून डालिए दोनों के बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है आपके बालों पर नेचुरल वे से ये आपके बालों को लंबा करता है साथ ही साथ उसको जड़ से मजबूत करता है काला करता है जो टाइम से पहले आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं ना उनको रिवर्स करता है डे बाई डे जैसे आप यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करेगा और ये आपके बालों की क्वालिटी के लिए बहुत ही अच्छा है आपके बाल सिल्की स्मूथ होंगे और शाइनी अलग से शाइन आएगी इसमें और जो भी अगर बालों की डेंड्रफ की प्रॉब्लम है ना तो ये उसको भी दूर करता है और अगर आपके बाल जैसे कि कहीं होते हैं ना कि पतले बाल रहते हैं वेवी लुक नहीं आता तो इसको यूज़ करोगे तो इससे वेवी लुक भी आएगा आपके बालों पर और एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आपने इसकी गैस की फ्लेम सिम में ही रखना है इसको आपने सिम गैस पे रखोगे तो ये अच्छी तरह से वर्क करेगा यानी कि पूरा इन्फ्यूज़न इस पानी में आएगा सिम गैस पर तेज में करोगे तो ये जल्दी पानी कट जाएगा पानी आधा हो जाएगा और फिर इसका इन्फ्यूज़न पूरा प्रॉपर वे से नहीं आ पाएगा तो आपने धीमी गैस में ही इसको दस से पंद्रह मिनट तक के लिए रख देना है जब तक कि इसका पानी आधा ना हो जाए तो ये देखिए बॉईल होना स्टार्ट हो गया हम अब और चीज़ें इसमें डालते हैं जो कि हमारे हेयर के लिए बहुत ही अच्छी है क्या आपने मिक्स कर देना है अब हम इसमें नेक्स्ट चीज़ डालते हैं जो कि है शिकाकाई ये शिकाकाई आप चाहो तो इसको भिगो कर रात भर रखिए भिगोइए उसके बाद सुबह इसको अच्छी तरह से निचोड़ के यूज़ कर लीजिए और ये आप री कर सकती हो जैसे अगर आपने एक बार बनाया ना उसके बाद आप सेकेंड टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के क्योंकि इसमें कई इन्फ्यूज़न रह जाते हैं जब भी आप इसको ग्राइंड करते हो ना अच्छी तरह से इसको भिगोने के बाद और उसका पेस्ट भी आप इसको लगा सकते हो एज अ हेयर मास्क तो वो भी बहुत अच्छी अच्छी तरह से वर्क करता है और अब हमने इसमें डालना है आमले ये सूखे आमले हैं अगर आपके पास पाउडर है तो शिकाकाई और आमले का पाउडर भी आप डाल सकते हो ये मैं री यूज कर रही हूँ आमलों को क्योंकि मैंने इसको पहले यूज कर लिया था आप इसको दोबारा यूज़ कर सकते हो और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है यानी कि आप जो भी इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करोगे ना सूखे सु, आंवले और शिकाकाई को तो आप इसको दो से तीन बार यूज़ कर सकती हो इसमें कोई भी इश्यू नहीं है क्योंकि इसका पूरा इन्फ्यूज़न एक ही बार में निकलता नहीं है और ये आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है एज अ क्रेजी वर्क करता है आपके बालों को तेजी से काला बनाता है और मजबूत करता है क्योंकि सदियों से इसका नुस्खा आज सभी लोग आजमाते हुए आए हैं आप दादी नानी से पूछेगा बालों को का काला कैसे करें तो वो आपको बताएंगी कि शिककाई आमले का यूज़ कीजिए और आमले आपने ज़्यादा से ज़्यादा खाने हैं आपने जंक फूड्स फैट ऑयली फूड्स नहीं खाना है आपने हेल्दी चीज़ें खाने हैं आमला तेल का सेवन करना है ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है जिससे कि आपके बाल काले रहें और ये आपके जीन्स के ऊपर भी डिपेंड करता है मेलेनिन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से बाल सफ़ेद हो जाते हैं तो इसको आपने मेलेनिन को कंट्रोल करना है तो उसके लिए ये विटामिन सी से भरपूर मात्रा वाले आपने चीजें लेनी है जिसमें लोह तत्व होते हैं वो भी आपने पूरा लेना है और ये देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है और अब आपने इसमें डालना है नारियल के छिलके का पाउडर यहाँ पे आपने नारियल के छिलके का पाउडर डालना है जो कि नारियल के छिलकों को आपने लोहे की कढ़ाई में कोई भी लोहे का बर्तन लीजिएगा उसमें अच्छी तरह से इसको भून लीजिएगा अगर लोहे का नहीं है तो दूसरा भी चलेगा लोहे का है तो बेस्ट है उसमें अच्छी तरह से भून लीजिएगा और उसके बाद आपने इसको अच्छी तरह से पीस कर पीसना है यानी कि मैश करना है और इसका पाउडर रेडी हो जाएगा उसको आप स्टोर कर सकते हो एज अ फोर फाइव मंथ आराम से चल जाता है जितना आप बना के रख सकते हो तो ये यूज कीजिएगा बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है आपके बालों को काला करने के लिए नारियल ऑल इन वन हमारी हेल्थ हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है इतनी हाई लेवल में इसमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और इसमें नरिशमेंट होता है जो कि हमारे बालों के लिए हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है और नारियल का ऑयल भी बालों के लिए होता है और खाने में भी हम यूज़ कर सकते हैं कई डॉक्टर्स कहते हैं कि अगर आप ऑलिव ऑयल में खाना नहीं बना सकते हो तो आप नारियल के ऑयल में कोकोनट ऑयल में खाना बनाइए तो ये हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है बेनिफिशियल है और अब हम इसके साथ ही साथ डालेंगे एक चम्मच भृंगराज पाउडर भृंगराज पाउडर हमारे बालों को काला करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और इसके साथ ही साथ हम जटामासी का पाउडर भी डालेंगे इसमें जो कि हमारे बालों को नेचुरल वे से काला करने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है और ये जड़ से मजबूत करता है तो ये देखिए इस पानी का कलर कितना गाढ़ा होता चला है और ये आपने लगाना है जो आपका पानी बच जाए जो हमारे बालों में लगा हुआ है तो और दूसरा पानी बच जाए तो आप इसे फ्रिज में स्टोर कर लीजिए एयर टाइट कंटेनर में दोबारा रीयूज़ करने के लिए नेक्स्ट डे के लिए जैसे कि कई कमेंट आते हैं कि हम इसको रोज लगाना है तो रोज नया बनाना पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ आप एक ही साथ बना लीजिए ज़्यादा ये फोर फाइव डेज तक फ्रिज में ख़राब नहीं होता है उसके बाद आप इसको डेली यूज करते रहिए बस फ्रिज से यानी कि लगाने से पहले आपने बस आधे से एक घंटे पहले बाहर रख देना है क्योंकि इसका टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए उसके बाद आप लगा सकते हो बालों पर नहीं तो अगर आपको जल्दी है तो आप हल्का सा इसको पहले गर्म कर लीजिएगा और गर्म पानी आपने ज़्यादा गर्म नहीं लगाना है ये जब ठंडा हो जाए तब आपने अपने बालों में लगाना है क्योंकि अगर गर्म पानी अपने बालों पर लगाओगे ना तो आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे तो इस बात का आपने मेन ध्यान रखना है कि आपने गर्म पानी बिल्कुल भी नहीं लगाना है अपने बालों पर तो अब आपने इसमें डालना है हिबिस्कस के हिबिस्कस का फ्लावर और पत्ते ये मेरे पास पहले से पड़े हुए थे इसके सूखे हुए हैं ये तो ये भी आप डाल सकते हो फ्रेश है तो भी डाल सकते हो अगर आपके पास पाउडर है हिबिस्कस पाउडर फ्लावर्स का तो आप वो भी डाल सकते हो जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो डालिए और ये बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करता है और अब फाइनल इंग्रेडिएंट हम अपना इसमें डालेंगे करी लीव्स ये भी मेरे पास पहले से स्टोर थी तो मैंने इसको डाल दिया तो अगर आपके पास फ्रेश है तो आप वो भी डाल सकते हो नहीं तो इसका पाउडर भी मिल जाता है वैसे बहुत ही ईजिली बिस्किस का पौधा और कड़ी लीव्स बहुत ही इजीली आपके घरों पे भी मिल जाती है तो ये देखिए पानी आधा हो चला है और इसका कलर कितना अच्छा आया है तो आपने इसको धीरे धीमे गैस में ही सिम गैस में इसको पकाना है अच्छी तरह से देखिए ये हमारा इसका पानी रेडी हो चुका है बालों के लिए हमारे मेन अच्छा सा पानी जो कि आपके बालों को काला करेगा नेचुरल वे से अब इसको हमने गैस ऑफ कर देनी है इसकी और इसको ढक करके रख देना है जब तक कि ये ठंडा ना हो जाए आधे से एक घंटे तक के लिए उसके बाद जब ये ठंडा हो जाएगा एक बात का ध्यान रखिएगा आपने इसको गर्म नहीं लगाना है बिल्कुल भी अगर गर्म लगाओगे तो आपके बाल झड़ने स्टार्ट हो जाएंगे कोई भी चीज अगर ऑयल एकदम गुनगुना लगाते हैं या कोई भी पानी लगाते हैं तो वो ठंडा करके ही लगाते हैं अगर हल्का गुनगुना है तो चलेगा लेकिन आपने ज्यादा गर्म नहीं रखना है तो ये आपने आधे से एक घंटे तक के लिए रखना है उसके बाद आपने इसको अपने बालों पर अच्छी तरह से लगाना है आपके बाल साफ होने चाहिए तो दो, दोस्तों ये देखिए ये ठंडा हो चला है प्रॉपर वे से और ये कितना अच्छा एकदम पानी बन करके रेडी है कितना गाढ़ा आपके बालों को नेचुरल वे से काला करने के लिए और बहुत ही अच्छी तरह से ये वर्क करता है तो चलिए अब हम इसको स्ट्रेन कर लेते हैं छान लेते हैं तो आपने कोई भी कटोरी लेनी है या कंटेनर लेना है जिसपे आप स्टोर करके रख सकते हो फिर और इसमें आपने बस छान लेना है इसको दोस्तों ये इतनी नेचुरल वे से आपके बालों को क्रेजी तरह से काला बनाता है घना करता है लंबा करता है इसको आपने रेगुलर यूज करना है और फिर देखिएगा इसका रिजल्ट बहुत ही जल्द आपके सामने रहेगा तो इस तरह से आपने छाल लेना है अच्छी तरह से तो ये देखिए इसका पानी बन करके रेडी है ये कितना अच्छी तरह से वर्क करेगा आपके बालों के लिए बहुत ही नेचुरल वे से काम करता है आपने इसको डेली लगाना है एक से दो घंटे अपने बालों पर रहन दीजिए और फिर देखिएगा आप नॉर्मल वाटर से आपने वॉश करना है तो चलिए मैं आपको इसको लगा कर बताती हूँ इसको आप कॉटन की हेल्प से या फिर फिंगर टिप्स की हेल्प से लगा सकते हो अपने बालों पर लेकिन आपके बाल ऑयली नहीं होने चाहिए इस बात का ध्यान रखिएगा तो इस तरह से आपने लगाना है और मसाज करनी है तो ये मैजिकल वाटर आपने अपने बालों पर लगा लेना है अच्छी तरह से हेयर रूट से लेकर हेयर लेंथ तक और आपके बाल ऑयली बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए उसके बाद आप दो से तीन घंटे इस पानी को रहन दीजिए या पूरी रात इसको लगा कर रखिए तो अच्छा है ये ज़्यादा असर करेगा उसके बाद आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिएगा शैम्पू करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसमें कोई ऑयल नहीं डाला उसके बाद आप ऑयलिंग कर सकते हो और डेली आपने ये यूज़ करना है फ्रिज में स्टोर कर सकते हो तो इसको यूज जरूर कीजिएगा और अपने फीडबैक में जो शेयर कीजिएगा भर भर के शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा तो आई होप आप सबको पसंद आई होगी तो चलिए मिलती हूँ आपसे न्यू और अच्छी अच्छी वीडियो के साथ तो टेक केयर एंड थैंक्स सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बाय